नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्रोजन टेक पे। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर एक और नई अनबॉक्सिंग के साथ। बताएंगे क्या मिलता है बॉक्स में और ओप्पो की तरफ से आने वाली ये मिड रेंज ओप्पो A52 है वैल्यू फॉर मनी या नहीं, तो सब चीजें जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और कोई भी पार्ट मिस मत करना, और कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको वीडियो में देखना हो तो मैंने टाइम स्टेप्स दे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूं बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स का, उनकी वजह से हम ये फोन की अनबॉक्सिंग और उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके सामने ला पाए हैं। और अगर आपको भी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोन, टैबलेट, ईयरफोन, स्पीकर्स और ऐसी बहुत सारी चीजें लेने का मन हो और आप आगरा में ही रहते हो तो आप इस शॉप पे विजिट कर सकते हो। नंबर और एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज विजिट अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट के लिए। बॉक्स पे हमें इस फोन की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई मिल जाती है, जैसे कि इसका कैमरा, स्क्रीन साइज और बहुत सारी चीजें। प्राइसिंग की बात करें तो इस बॉक्स पे हमें 19,990 रुपीज देखने को मिलती है, जो इसकी रियल प्राइस नहीं है। इसकी रियल प्राइस मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बॉक्स के पीछे हमें मेड इन इंडिया की बैजिंग देखने को मिलती है, जो एक बहुत अच्छी बात है। फोन के कलर की बात करी जाए तो मेरे पे ट्विलाइट ब्लैक कलर है, इसमें आपको स्ट्रीम व्हाइट कलर भी देखने को मिल जाता है। फोन में हमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 4GB, 6GB, 8GB, तीनों में ही आपको 128GB की स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। मेरे पास फिलहाल 6GB 128GB वाला वेरियंट है। आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से फोन को अनरैप कर लेते हैं, जल्दी से मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, देखते हैं कि फोन के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है। फोन में हमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, कुछ पेपर वर्क है जिसका कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है, और इसमें हमें टीपीयू केस भी देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। केस की क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है। फोन को जल्दी से हम रख देते हैं साइड में, देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। बॉक्स में हमें 18 वॉट का एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। 3.5 mm आपको ईयरफोन्स भी देखने को मिलते हैं, जो काफी अच्छी बात है। यूजली फोन में आजकल ईयरफोन्स आपको देखने को कम मिलते हैं, और चार्जिंग केबल भी हमें टाइप सी देखने को मिलती है। फोन के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो फ्रंट में हमें पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। बैक मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा है, शाइनी लुक है, कलर भी काफी यूनिक है। आपको पीछे से देखने को ऐसा लगेगा कि ये एक ग्लास बैक है, लेकिन ये प्लास्टिक है। क्वाड सेटअप आता है, फोन हल्का है, काफी हैंडी है। अगर आप वन हैंड से भी यूज करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप साउंड सुन सकते हो प्लास्टिक की और इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपके छोटे हैंड भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोन के वेट की बात करी जाए तो हमें 192-193 ग्राम मिलता है, जो ठीक है, ज्यादा हैवी भी नहीं है और ज्यादा लाइट भी नहीं है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करी जाए तो नीचे की साइड हमें 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलते हैं। राइट हैंड साइड की तरफ हमें पावर बटन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड हमें सिम कार्ड ट्रे और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स देखने को मिलते हैं। ऊपर की साइड एकदम प्लेन है, मतलब इसमें हमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं देखने को मिलता है। फोन में हमें ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, जो काफी अच्छी बात है, मतलब कि हम इसमें 2 SIM और 1 SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। फोन को हम जल्दी से बूट कर लेते हैं और सेटअप करके आपको दिखाते हैं। फोन मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, हमें इसमें कलर OS 7.1 देखने को मिलता है, जो इसकी प्रीवियस जनरेशन से काफी बेटर है। फोन में मैंने टीपीयू केस लगा लिया है, आप भी जब भी फोन यूज करें तो केस लगाकर ही यूज करें। इसका कलर OS 7.1 है, जो Android 10 पे रन कर रहा है, मतलब कि इसमें कोई आपको ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो रैम हमें 6GB देखने को मिलती है। प्रोसेसर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 है, जो काफी मिड रेंज और पुराना प्रोसेसर है, मतलब कि अगर आप इसे गेमिंग के लिए फोन ले रहे थे तो आप इस फोन को बिल्कुल भूल जाइए। स्टोरेज की बात करिए तो हमें इसमें 110GB अवेलेबल मिल जाती है। फोन में हमें 6.5 इंचेस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। हाँ, इसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं है, इसमें LCD डिस्प्ले है, जो एक इसका छोटा सा ड्रॉबैक है। पर्सनली IPS डिस्प्ले मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं है, और अगर आपका भी डिस्प्ले प्रायोरिटी है तो आप इस फोन को ना लेकर आप सैमसंग की कोई और M30, M31 फोन ले सकते हैं। फोन में ब्लॉटवेयर्स की बात की जाए, मतलब कि इसमें जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आती हैं वो बहुत हैं, भर भर के हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। अब कर लेते हैं इस फोन की फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की बात। फिंगरप्रिंट इसका साइड माउंटेड आता है, काफी क्विक है, रिस्पॉन्सिव है, और ऐसा नहीं है कि फिंगर टच करो और ये रिस्पॉन्ड ना करे। इसके फिंगरप्रिंट से मुझे कुछ खास शिकायत नहीं है। फेस अनलॉक की बात करी जाए तो वो भी क्विक है, रिस्पॉन्सिव है, और उससे भी मुझे कुछ खास शिकायत नहीं है। अब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो डिस्प्ले ओके ओके, इतनी खास भी नहीं है, मुझे पर्सनली डिस्प्ले अच्छी नहीं लगी।
फोन के स्पीकर्स की बात करी जाए तो हमें इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलता है एक नीचे की साइड और एक ऊपर ईयरपीस की साइड हमें देखने को मिलता है। फोन की जो साउंड है वो तेज है, आप खुद चेक कर सकते हैं। सिर्फ कैमरा है या फिर आप सेल्फीज के लिए इस फोन को परचेज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इस फोन को परचेज कर लीजिए, क्योंकि फोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसका प्राइमरी लेंस है वो है 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल इसका अल्ट्रा वाइड के लिए है, 2 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ के लिए है। वीडियो आप 4K में भी शूट कर पाओगे लेकिन सिर्फ 30 FPS पे। फ्रंट कैमरा हमें 16 मेगापिक्सल देखने को मिलता है जिसमें 1080p 30 FPS तक ही सपोर्ट है जिसमें हम 4K शूट नहीं कर सकते हैं। कैमरा इंटरफेस की बात करिए तो उसमें पोर्ट्रेट मोड, गूगल लेंस, सुपर स्लो मोशन स्टिकर्स, एक्सपर्ट मोड, काफी सारी चीजें ऐसी देखने को मिल जाती है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने इस फोन से क्लिक करी हैं। पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये फोन इतनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करेगा लेकिन जब मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। इसके पोर्ट्रेट मोड आप देख सकते हैं काफी अच्छा है, वीडियोस भी ये काफी अच्छी शूट कर रहा है। सुपर स्टेडी मोड इसमें हमें मुझे देखने को नहीं मिला, तो जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो काफी शेकीनेस आपको दिख रही होगी। नाइट मोड आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो है वो नॉर्मल मोड है और राइट साइड पे नाइट मोड है, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ज्यादा जो कलर्स हैं वो ज्यादा निखर के आ रहे हैं, चीजें हैं जो डिटेल में आ रही हैं। इसके नाइट मोड से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। आर्टिफिशियल कंडीशन में भी फोन ये बहुत अच्छी पिक्चर्स खींच रहा है, डिटेलिंग जो है वो काफी अच्छी है, मैं फोन से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। सेल्फी मोड भी इसकी मुझे काफी अच्छी लगी। फोन के अदर फीचर्स और सेंसर्स की बात की जाए तो इसमें हमें जो मिड रेंज फोन में सेंसर्स मिलते हैं वो सभी देखने को मिल जाते हैं। FM रेडियो इसमें हमें देखने को मिलता है, NFC का इसमें हमें कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। प्रोसेसर हमें इसमें मिड रेंज स्नैपड्रैगन 665 मिलता है, तो अगर आप इसमें बहुत ज्यादा हाई गेमिंग की बात कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा अच्छे गेमर हो या फिर बहुत हार्डकोर गेमर हो और ये फोन सिर्फ आप गेमिंग के लिए चूज कर रहे थे या सोच रहे थे तो इस फोन को बिल्कुल भूल जाइए, ये फोन बना है। और अगर आप नौ छोट थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो, कभी कभार आप गेमिंग कर लेते हो जैसे कि टेम्पल रन या अगर वैसे गेम्स भी अगर आप खेलते हो और थोड़ी लो सेटिंग में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो इस फोन को आप बिल्कुल चूज कर लीजिए। स्क्रीन पे आपको इस फोन के अंतुटू और ग्रीक बेंचमार्क्स दिख रहे होंगे जिससे आप इस फोन की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। अब आते हैं इस फोन के गेम के ओवरऑल एक्सपीरियंस पे, मतलब कि जैसे कि नॉर्मल स्टैंडर्ड आप अगर टेम्पल रन या ऐसे गेम सबवे सर्फर अगर ऐसे आप गेम खेलते हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहीं अगर आप पबजी खेलना चाहते हैं तो आपको बैलेंस्ड में आप सिर्फ खेल सकते हैं, HD तक का मोड इस फोन में अवेलेबल नहीं है। फोन पे मैंने थोड़ी देर पबजी खेला, थोड़ी देर बाद ही थोड़ी सी हीटिंग इश्यू मुझे और लैग कहीं कहीं देखने को फील हुआ है। वैसे ग्राफिक्स की बात करें तो आपको इतना ज्यादा नोटिस नहीं होगा लेकिन अगर बहुत सारे लोग एकदम से आ जाते हैं तो FPS डाउन हो जाएंगे। एस फेल्ट आप हाई क्वालिटी में खेल सकते हो लेकिन यहाँ भी मुझे लैग फील हुआ था और बहुत ज्यादा हीटिंग इशू मुझे यहाँ पे नोटिस हो रहा है। तो फिर आप देख सकते हैं कि जो इसका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो मेरा इस फोन के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं था। कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स की बात करी जाए तो सेम, अगर आप वेरी हाई पे खेलते हो तो आपको FPS भी कम मिलेंगे और अगर हाई पे खेलते हो तो आपको मैक्सिमम FPS मिलेंगे। तो मेरी माने तो इसको जो सेटिंग्स हैं वो आप इसको लो रख के FPS को हाई रखिए। अब आते हैं इस फोन की प्राइसिंग पे, तो 6 GB 128 GB का प्राइस जो है वो है 16,990 रुपीज। इस फोन की परचेजिंग की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है और अदर वेरिएंट्स की प्राइसेस जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। अब वहीं मेरे एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो और फोन आपको लेना चाहिए या नहीं, तो गाइस फोन में इस बार प्रोस से ज्यादा कॉन्स देखने को मिले हैं, जैसे कि एवरेज क्वालिटी डिस्प्ले है, इसका मिड रेंज प्रोसेसर, और वहीं इसके कैमरे की बात करी जाए तो उससे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। अगर ओप्पो इसकी प्राइस 2 से 3 हजार कम रखता तो ये काफी अच्छा फोन हो सकता था। अगर आप मेरी माने तो इस फोन को रहने दें, बल्कि मार्केट में इससे भी ज्यादा अच्छे फोन हैं जैसे कि मोटो वन फ्यूजन है, रेडमी नोट 9 प्रो है, सैमसंग M31 है, Realme 6 है और काफी सारे ऐसे फोन, आप उनको जाके कंसिडर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो में कुछ कम लगा हो या कुछ गलत लगा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अनबॉक्सिंग के साथ, एक नई रिव्यू के साथ और कुछ अच्छे टिप्स और ट्रिक्स के साथ।